अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और एक नई सुबह के साथ जो है मैं अपना व्लॉग लेके आई हूँ। और सुबह सुबह का टाइम था और अभी मैं बाहर देख रही थी और इस तरह ये लोग ग्रास कट करने के लिए आए थे। और ये ऐसे वंस अ मंथ जो है वो आके क्लीनिंग कर जाते हैं अच्छे से, जो है वो तुम पूरे एरिए को जो है उनके ग्रास कट करते हैं। और कहीं से अगर मतलब ट्रिमिंग वगैरह भी करनी होती है वो भी सारी कर कुर के जाते हैं। और इन सब के पैसे पे करने पड़ते हैं। आई थिंक अब हम लोग तो यहाँ पे ईयरली पे करते हैं। और फिर ये होता है कि हम लोग को उनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और उसके बाद जो है वो ख़ुद ब खुद ही जो है वो आते हैं और आके इस तरह आपके क्लीनिंग अच्छी सी जो है वो क्लीनिंग करके चले जाते हैं। तो इससे जो होता है वो आपकी लोकेशन, आपका एरिया जो है वो काफ़ी खूबसूरत रहता है। और बच्चे जो हैं जब बाहर खेलते हैं, क्योंकि विंटर में अभी बारिशें स्टार्ट हो जाएंगी तो फिर बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होगा कि ग्रास जितनी बड़ी होगी और गीली होगी तो बच्चे फिर उसके ऊपर खेलना भी नहीं पसंद करते हैं। और अभी मैं पॉरेज बना रही हूँ बेटी के लिए, जो है वो मैं मीठे वाला बना के दे रही हूँ उसको, बिल्कुल जैसे नॉर्मल पॉरेज बनाते हैं। और अपने लिए जो है वो मैं बना रही हूँ डाइट वाला। और डाइट वाला पॉरेज जो है, ये देखिए मैंने बहुत लाइट सा मक्खन लिया था और उसके अंदर मैंने पॉरेज को जो है वो थोड़ा सा ड्राई रोस्ट किया था। और ये मैं अपनी बेटी का बना रही हूँ, उसको जो है वो मीठे के साथ पसंद है, चीनी डाल के और सारे दूध में पका के, तो उसका जो है वो मैं ऐसा बना रही थी। और ख़ुद का जो है वो बिल्कुल मैं सूखा सूखा सा बनाऊंगी। तो अभी मैंने जो है 1 कप ओट्स लिए थे और उसको मैंने बिल्कुल ड्राई सा रोस्ट कर लूँगी ताकि ओट्स का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो उसी में मैंने जो है वो 2 कप पानी के ऐड किए। ओट्स को पानी में पका लूँगी अच्छे से और जैसे ही ओट्स गल जाएंगे तो उसके बाद उसमें 1 कप दूध का ऐड कर दूँगी। बिल्कुल 1 कप ही ऐड किया, ज़्यादा नहीं दूध ऐड करना। और करने के बाद इसको बस मैं पका लूँगी। अच्छा, जो यहाँ पे गोरे ओट्स बनाते हैं ना तो उसमें तो वो दूध बहुत कम ऐड करते हैं। मैंने तो 1 कप ऐड किया, वो 1 कप भी नहीं ऐड करते इसमें। तो एनीवे ये इस तरह रेडी हो गया था। और उसके बाद ये मेरी बेटी का था, उसको कोकोनट ऊपर से डाल के दिया। और ये मेरे वाला भी जो है ये भी रेडी हो गया था। पक के जो है ये थोड़ा थिक हो जाता है और ऐसे थोड़ा क्रीमी सा खुद ब खुद बन जाता है। तो उसके बाद भी मैंने अब इसमें जो है मैं मेपल सिरप ऐड कर रही हूँ और ये 2 कैलोरीज मेपल सिरप है। और मैं जो था वो ओरिजिनल मेपल सिरप और ओरिजिनल वाले में जो थी वो 146 कैलोरीज इन 1 स्पून थी। तो मुझे बहुत हैरानगी हुई, इसलिए मैंने ये 2 कैलोरीज मेपल सिरप लिया। ये थोड़ा सा बिट एक्सपेंसिव पड़ता है ओरिजिनल से, लेकिन ये है कि ऑब्वियसली आपको पता है कि आप डाइट कर रहे हो तो फिर आपको क्या हेल्दी खाना है। और गुड इन्वेस्टमेंट जो होती है ना वो आप एक ही दफ़ा करते हो। जैसे ये मेपल सिरप जो है ये कौन सा एवरी मंथ मुझे बाय करना पड़ता है, ये वाली बोतल जो है ये आराम से मेरी 2-3 महीने निकल जाती है। तो अभी मैंने जो है वो अपना नाश्ता किया, हम बच्चों को लेके जा रहे थे मिल टाउन पार्क में। और क्योंकि बच्चे जो है ना उनको बहुत, अभी मौसम जैसे जैसे आगे ख़राब होना शुरू हो जाएगा ना तो बच्चों को बाहर पार्क वाली साइड पे ले जाना जो है वो बहुत मुश्किल होता जाएगा। और इन कंट्रीज़ में कुछ भी बच्चों के लिए एक्साइटमेंट नहीं है। और अभी आप खुद देखेंगे कि जैसे ही हम लोग निकले हैं ना तो मौसम क्लाउडी सा था और रेन का कोई अता पता नहीं था। और हम लोगों ने भी सोचा था कि हम लोग जो है वो बच्चा थोड़ा से वहाँ पे इंजॉय कर लेंगे। और हम लोगों ने वैसे टेस्को जाना था लेकिन हम लोगों ने सोचा कि थोड़ी देर मिल टाउन भी स्टॉप कर लेंगे। तो ये देखें कि कितनी, अभी घर से निकले थे तो मौसम बिल्कुल ठीक था और फिर बारिश स्टार्ट हो गई। तो बस ये आयरलैंड का वेदर है, आयरलैंड का वेदर का कोई एतबार नहीं है कि अभी बिल्कुल धूप निकली हुई है और नेक्स्ट में धूप के अंदर ही बारिश हो रही है। अभी मैं यहाँ पे आई थी और यहाँ पे बैक साइड पे बड़ी अच्छी एक प्यारी सी झील है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को वो झील भी दिखाती हूँ। और इतनी खूबसूरती, इतनी खामोशी और पानी की आवाज़ बहुत अच्छी लग रही थी। तो कुछ बातें जो थी वो मेरे दिमाग में थी तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो पिछले दिनों में मैं एक वीडियो देख रही थी तो उसमें था कि ज़िंदगी गुजारने के कुछ असूल हैं। उन सब असूलों में सबसे पहला असूल ये है कि आप सबसे मुस्कुरा के बात करें। तो सुनने में बहुत अजीब लगता है कि अगर आपको गुस्सा है या आप किसी से गिला है या शिकवा है तो आप उससे कैसे मुस्कुरा के बात कर सकते हैं। लेकिन अप्लाई करके देखें, अगर आपको गिला है, शिकवा है, आप खामोश हो जाएं
अगला बंदा जो है वो अपने गिले शिकवे खामोशी और गुस्सा जैसा भी आपके निकालना चाहे निकाल दे, लेकिन आप खामोशी से बर्दाश्त कर जाएं तो ऑनेस्टली कुछ दिनों बाद उस इंसान को खुद ही रियलाइज़ हो जाता है कि उसने आपके साथ कितनी बदतमीज़ी की और कितना मिसबिहेव किया। लेकिन आपने अगर उसके साथ कुछ बुरा नहीं कहा तो वो ज़मीर की जो एक मलामत होती है ना, वो अगले बंदे को खुद बखुद ही आनी शुरू हो जाती है। तो कोशिश करें कि अपनी हैबिट्स को चेंज करें, अपने तरीके को चेंज करें कि आपने अपने आप को जो है वो पॉजिटिव रखना है, क्योंकि नेगेटिविटी अगर इंसान के अंदर आ जाती है तो एक दफ़ा की नेगेटिविटी बार 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 आपको वो नेगेटिव चीज़ों की तरफ ही करती है कायल, कि आपको एक नेगेटिव चीज़ में 100 नेगेटिव चीज़ें और नज़र आती हैं। तो पॉजिटिव रहें, और अगर आपके साथ कोई बुरा करता है तो उसको करने दें, अल्लाह देख रहा है और अल्लाह ही आखिर में जज करेगा। हम तो जजमेंटल हो नहीं सकते, हो सकता है कि जो हमारी नज़र में बुरा कर रहा है वो अपनी नज़र में वो सही कर रहा हो, लेकिन अल्लाह की नज़र में वो सही है या गलत है तो फ़ैसला उसी नहीं करना है। दूसरी चीज़ जो मैंने थी कि ख्वाहिशों के परिंदे का पर काट के रखें, तो ये मुझे बड़ी इस चीज़ ने इंस्पायर किया इस बात ने कि हम लोग अपनी ख्वाहिशों के जो परिंदा है ना वो हर इंसान के अंदर है, और उस परिंदे को हमने इतने ज़्यादा पर लगाए हुए हैं ना, उसको हमने खुराक दे दे के इतना कोई फैला लिया ना, उसको इतना कोई परवान चढ़ा लिया है कि वो फड़फड़ाता है कि हमें बाहर निकालो, हमारी ख्वाहिशें पूरी होनी चाहिए। लेकिन अपने ख्वाहिशों के परिंदे के पर काट के रखें। जितनी कम ख्वाहिशें होंगी ज़िंदगी में, जितनी कम एक्सपेक्टेशंस होंगी ज़िंदगी में लोगों से, अपने आप से, अपने माँ बाप से, अपने बहन भाइयों से, अपने बच्चों से इवन, उतनी ही ज़िंदगी पुरसकून गुजरेगी। जब हम लोग बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगाते हैं ना और अगला बंदा हमारी उम्मीद पर पूरा नहीं उतरता या वो उस लिहाज से हमारी उम्मीद को पूरा नहीं कर सकता, तो हम लोगों को लगता है कि भाई अब हमारी लाइफ में जो है ना ये बिल्कुल, ये इंसान जो है ना ये नो गुड है और हम इसको ये हमारे लिए बेटर नहीं है जैसा होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि हर इंसान अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आपकी ख्वाहिशों के मुताबिक चल सकता है। उसकी जितनी कैपेसिटी है, हो सकता है कि वो अपना 100% दे रहा हो लेकिन आपके लिए वो इनफ ना हो। तो इससे बेहतर है कि आप अगले बंदे को सुधारें या ये उम्मीद करें कि मैं जैसा चाहता हूँ ये वैसे ही करें। तो बेहतर ये है कि आप अपनी ख्वाहिशों को जो है वो कम कर लें, तो आपकी ज़िंदगी जो है वो बहुत आसान हो जाएगी। अभी मैं जा रही थी टेस्को की तरफ, और क्योंकि थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी और बच्चों की थोड़ी सी चीज़ें चाहिए थी। जब हम लोगों को कुछ क्विक सा कुछ चाहिए होता है तो फिर हम लोग जो है वो टेस्को चले जाते हैं। यहाँ पे उन्होंने एक क्लोथ सेक्शन भी लगाया हुआ है, तो बच्चों के कपड़े वगैरह, और अगर कुछ आपको कोई ऐसी चीज़ होती है जो कभी एक्स्ट्रा मतलब ज़रूरत एकदम से अचानक आन पड़ी है तो फिर आपको जो है वो ईजी होता है। और टेस्को पर काफ़ी अच्छी ऑफर्स लगी हुई थी, तो बस ड्रिंक्स वगैरह पे और बच्चों के बिस्किट्स और क्रिप्स वगैरह पे काफ़ी अच्छी ऑफ़र लगी हुई थी। और मुझे जो चीज़ें चाहिए थी, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और सॉक्सें वगैरह और इस तरह स्कूल की थोड़ी सी एक दो चीज़ें और चाहिए थी, तो बस वो लेने के लिए मैं आई थी। और मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ ना, मैं ये ज्वेलरी सेक्शन ज़रूर इसका सर्च करती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे काफ़ी अच्छी ऑफ़र्स मिल जाती हैं ईयरिंग्स पे और नेकलेसेस पे, और मुझे बहुत अच्छा लगता है देखना। काफ़ी जो बड़े बड़े होते हैं वो तो मैं नहीं लेती, लेकिन मुझे जो छोटे छोटे ईयरिंग्स होते हैं ना उनके बहुत अच्छे लगते हैं, तो बस मैं वो देखना शुरू हो गई थी।
तो ग्रॉसरी करने के बाद मैं घर आई थी और आज मैं बहुत मज़े की डाइट की एक रेसिपी ट्राई करने वाली हूँ, तो आप लोगों के साथ ज़रूर उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। तो बेसिकली मैंने कॉर्जेक्स लेके आई थी और कॉर्जेक्स जो है वो ये बिल्कुल तोरी की तरह ही होते हैं और मेरे ख्याल में इनको कॉर्जेक्स ही उर्दू में पता नहीं इनको क्या कहते हैं। तो एनीवे कॉर्जेक्स को जो है वो मैंने ऐसे इसको कद्दूकश कर लिया था और इसको किसी भी जो है वो मलमल के कपड़े में आप डाल लें और डालने के बाद इसका आपने पानी अच्छे से जो है वो ड्राई करना है। तो जितना अच्छा आप इसका पानी ड्राई करेंगे अदरवाइज़ जो है ये बिल्कुल वाटरी से बनेंगे। तो मैंने इसको बहुत अच्छे से निचोड़ लिया था लेकिन स्टिल अभी मैंने इसको रखा था ताकि जो है इसका और पानी, मैं इसको और अच्छे से निचोड़ूंगी तो पानी निकल जाएगा। एक प्याज लिया था उसको रफली चॉप किया, स्वीट कॉर्न लिए, थोड़े से मैंने हैलोपिनो पेपर्स लिए थे और आप चाहें तो हरी मिर्चें भी डाल सकते हैं। एक मैंने इसमें एग डाला है और एग डालने के बाद ये जो मैंने कॉर्जेक्स थे जो मैंने अच्छे से जो मैंने निचोड़े थे वो मैंने इसमें डाल दिए। अच्छा, मेरे पास भुने हुए चने पड़े हुए थे तो मैंने उनको जो है उसका आटा बना लिया था वो मैंने इसमें डाला 3 चम्मच और 2 चम्मच मैंने इसमें कॉर्नफ्लावर डाला। आटा जो है वो भुने हुए चने का और कॉर्नफ्लावर जो है वो आप इसकी ये देखिए मैं हाथ से देख रही हूँ, आप इसकी बाइंडिंग के हिसाब से देखिएगा। और सॉल्ट एंड पेपर इसमें डालूंगी, तो आपको अगर लगे कि बाइंडिंग अगर सही नहीं हो रही स्टिल अभी जो है वो थोड़ा सा मतलब वाटरी सा है तो आप इसमें कॉर्नफ्लावर और ऐड कर सकते हैं। तो मैंने इसमें थोड़ी सी लाल मिर्चें डाली हैं, थोड़ा सा इसमें ज़ीरा पाउडर, थोड़ी सी ब्लैक पेपर, सॉल्ट और थोड़ा सा इसमें मैंने जो है पार्सली ऐड की है। तो ये बिल्कुल ऐसा इसका मिक्सचर होना चाहिए ताकि जब हम इसके बॉल बनाएं तो बिल्कुल जो है वो पानी पानी सा ना हो। तो मैंने इसके इस तरह ट्रे में जो है वो मैंने फॉइल लगा के और उसके ऊपर स्प्रे किया, करने के बाद ये मैंने इस तरह इसकी जैसे हम टिक्कियाँ सी बनाते हैं तो मैंने ऐसे बना के इसके ऊपर डाल दिया। डालने के बाद ऊपर से फिर मैं एक दफ़ा स्प्रे करूँगी और स्प्रे करने के बाद जो है मैं इसको ओवन में बेक करूँगी। मैंने 160 पे जो है वो मैंने इसको तकरीबन 15 to 20 minutes बेक किया था। लोग जो है वो ऑब्वियसली हर ओवन का टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट होता है तो आप इसको अपने ओवन के टेम्परेचर से कर सकते हैं, आप इसको एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं और आप इसको पैन में भी बना सकते हैं। तो मैंने ओवन में बनाया था और इस तरह ही हाथ के साथ जो है ये आप अच्छे से इसकी शेप दे लें। तो ये भी थोड़े से सेट हो गए थे ओवन में, मैंने इसमें डाले हैं। अच्छा, आप इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं और मैंने इसमें चीज़ नहीं डाली क्योंकि ऑनेस्टली मैं भूल गई थी। तो बाद में ये बिल्कुल ऐसे रेडी हो गए थे और मैंने इसके दही की चटनी बना के तो मैंने उसके साथ इसको खाया था। तो बस आज का व्लॉग यहीं तक का था। आपको अगर मेरी आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर करें, अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करें। अपना सब बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह।